Hi guys, this is me Noman and welcome back to my channel Official Noman. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो Paytm Postpaid का जो बैलेंस है, जो लिमिट है, उसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम रिचार्ज कर सकते हैं, किस तरह से हम शॉपिंग कर सकते हैं या फिर किस तरह से हम टिकट बुक कर सकते हैं उस Paytm Postpaid वाली लिमिट का। तो अगर आपको भी अपने Paytm Postpaid की लिमिट को यूज करना है तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। सो डोंट हैव एनी वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने Paytm ऐप को ओपन कर लेना है। Paytm ऐप को ओपन करने के बाद मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ। जो Paytm Postpaid आप चाहते हैं कि अगर आपको ये Paytm Postpaid आपको नहीं मिला है तो इसके लिए आपको Paytm ऐप से आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शन करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने Paytm ऐप से काफ़ी ट्रांजैक्शन कर रखी हैं, इस वजह से मुझे ये Paytm Postpaid का ऑप्शन मुझे मिल चुका है। मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। अब ये जो Paytm Postpaid का जो साइट है ये लोड हो रहा है, इस पर मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर ये कह रहे हैं अवेलेबल टू स्पेंड लिमिट 500 टोटल लिमिट, मतलब जो मेरे Paytm Postpaid की लिमिट है वो सिर्फ 500 रुपये लिमिट है। और यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं ऐसी रिचार्ज वीचार्ज या फिर बैंक के इस्तेमाल के लिए Paytm ऐप को यूज़ करता हूँ, इसलिए ये मुझे 500 रुपये की लिमिट Paytm Postpaid की तरफ से मुझे मिली है। अगर मैं इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन करता, 50-50 हज़ार की, 20-20 हज़ार की, लाखों की, तो यहाँ पर मुझे करीब करीब 60 हज़ार की मुझे लिमिट मिलती और मैं 60 हज़ार को यूज़ कर सकता था रिचार्ज में, शॉपिंग कर सकता था। तो यहाँ पर मुझे Paytm की तरफ से लिमिट मिलती 60 हज़ार रुपये की, लेकिन ये मुझे सिर्फ 500 रुपये की मिली है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस लिमिट को मैं किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर हमें मोबाइल प्रीपेड के ऑप्शन पर चले जाना है। आप चाहे इस लिमिट का आप रिचार्ज भी कर सकते हैं या फिर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिचार्ज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं नंबर डाल लेता हूँ जो नंबर मैं रिचार्ज करना चाहता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं अमाउंट डाल देता हूँ 10 रुपीज़। अब यहाँ पर कितनी भी आप यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हैं Paytm Postpaid से, जितनी आपकी लिमिट है उससे कम ही आप थोड़ा रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रोसीड टू रिचार्ज के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड टू रिचार्ज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर कोई प्रोमो कोड भी एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई प्रोमो कोड देख लेता हूँ, मेरे पास कोई भी प्रोमो कोड अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर मैं ऐसी लखपति डाल देता हूँ, और कोई बात नहीं, लक्की डाल देता हूँ। और यहाँ पर मैंने तो ऐसे ही डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर प्रोसीड टू पे के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे सामने इस तरह का पेज आ चुका है। यहाँ पर मुझे नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर मुझे काफ़ी ऑप्शन दिख जाते हैं। Paytm Postpaid, Paytm पेमेंट बैंक, भीम UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो यहाँ पर मुझे Paytm Postpaid वाले ऑप्शन से मुझे पेमेंट करनी है, तो यहाँ पर मैं Paytm Postpaid पर क्लिक कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मेरा बैलेंस दिखा देगा, अवेलेबल बैलेंस 500 रुपीज़। और यहाँ पर अब मैं पे सिक्योरली के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। पे सिक्योरली के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये कह रहे हैं प्रोसेसिंग रिचार्ज, और यहाँ पर मेरा जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करके मैं यहाँ की डिटेल भी देख सकता हूँ, और मेरे पास मैसेज भी आ चुका है। इसे मैं यहाँ पर साइड में फेंक देता हूँ और मैं होम के ऑप्शन पर चले जाता हूँ, और यहाँ पर मैं Paytm Postpaid के ऑप्शन पर क्लिक करके देख लेता हूँ कितनी लिमिट रह गई है। इस पर क्लिक करने के बाद ये कह रहे हैं अमाउंट यूज्ड 10 रुपीज़, मतलब जो मेरा अमाउंट है, मैंने 500 रुपये में से 10 रुपये का अमाउंट मैंने Paytm Postpaid में से मैंने यूज़ कर लिया है, और ये 490 रुपये मेरी लिमिट रह गई है। और यहाँ पर ट्रांजैक्शन भी आ चुकी है, मैंने क्या किया है, इन जो मैंने पैसे यूज़ किए होंगे Paytm Postpaid के, सारी ट्रांजैक्शन बता देगा मैंने क्या किया है उन पैसों का। तो यहाँ पर मैंने 10 रुपये का मोबाइल रिचार्ज किया है और यहाँ पर 490 अमाउंट रह गया है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं अमाउंट यूज 10 रुपीज़, उसके आगे लिखा है पे नाउ। ये 10 रुपये जो है हम इसे Paytm को कभी भी चुका सकते हैं, हम Paytm को कभी भी वापस कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने पर क्या होगा, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर पेटीएम को रुपए दे सकता हूँ जितने मैंने यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पेटीएम को पैसे वापस करना भी सिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी ये लोड हो रहा है, यहाँ पर मेरे पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसे हैं, तो यहाँ पर मैं पेटीएम पेमेंट बैंक से पेमेंट कर देता हूँ। पासकोड डालने के बाद यहाँ पर मैं पे सिक्योरली के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। पे सिक्योरली के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं ऑर्डर समरी, यहाँ पर ये कह रहे हैं सक्सेसफुल, जो मैंने 10 रुपये मैंने पेटीएम को वापस दे दिए हैं और मेरा जो पेटीएम की लिमिट है वो अब 500 रुपये हो गई होगी। मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, मैसेज भी आ चुका है। पेटीएम पोस्टपेड पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। पेटीएम पोस्टपेड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये लोडिंग हो रही है। यहाँ पर ये कह रहे हैं पेटीएम पोस्टपेड रीपेमेंट फॉर 10 रुपीज़, मतलब मैंने 10 रुपये का पहले मैंने अपना मोबाइल रिचार्ज किया था और मैंने वापस दे दिए हैं पेटीएम को 10 रुपये, मतलब हमें इसमें कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये पेटीएम की अच्छी बात है, इसमें हमें लिमिट भी 500 रुपये की वापस हमें मिल चुकी है। पहले 490 रुपये थी, अब हमें पेटीएम की लिमिट 500 रुपये हमें मिल चुकी है। और ये पेटीएम पोस्टपेड जो है काफ़ी अच्छा फीचर है, अगर आपके वॉलेट में पैसे ना हो तो आप पेटीएम की पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से आप ले सकते हैं और इन रुपयों को आप एक महीने के अंदर अंदर पेटीएम पोस्टपेड को आप वापस कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप पेटीएम पोस्टपेड के पैसे किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं और पेटीएम को कैसे चुका सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप हमें कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, हमारे Facebook पेज को लाइक करना मत भूलिए और हमारे Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।